क्योंकि जब हम बैठते हैं तो बाकी लोग खड़े रहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। क्लीन हो गया और ये अब अच्छे से घर पे दिखाएंगे आपको। कपड़े देख रहे हैं ना, ये कपड़े खुद हम धोते हैं अपना, ठीक है, देख रहे हैं ये सब कपड़े, ये चादर, ये सब सब अपने हाथ से धोते हैं। अभी क्या है, आज आपका है एक स्कैन, 1:06 हो रहा है और 16 तारीख है, ठीक। तो अभी हम घर से बाहर थे, अभी क्या है तो हम कपड़े भूल गए थे धोने के लिए, लेकिन अभी क्या है आज फटाफट धो ही देंगे। पिट्ठू बैग ले जा रहे हैं अमेरिकन टूरिस्ट का, ठीक है, और गोप्रो वाली हेलमेट, और यहाँ पे कुछ आ रहा है दिवाली से पहले आ जाएगा और यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख जाएगा आपको, थोड़ा इंतज़ार करिए। हर महीने कुछ तो कुछ मंगाते रहते हैं, लेने की प्लानिंग चल रहा है। वैनम अभी यहाँ खड़ी है, वो जानते हैं कौन सी गाड़ी है तो हम आपको बता दें, वो एक कार है और एक कार के लिए बड़ी सी पार्किंग होनी चाहिए। तो जो हमारे बड़े पापा जमीन हड़पे हैं, हम चले गए थे बस्ती कल, और कल संडे था तो आपसे बोले थे कि मुझे जाना है जूता लेने, जूता लेने गए नहीं थे, आज चलेंगे जूता लेने, और फिर शाम को चले गए थे बस्ती, फिर उसके बाद से आए हैं तो कपड़े भी कल ही धोने वाले थे लेकिन कल धो नहीं पाए थे। तो आपको ये क्यों बता रहे हैं योरी की कह क्यों रहे हैं, देखिए बात यह है ना, घर में भाभी लोग हैं, कपड़े धो सकती हैं, धो नहीं सकती हैं, धोने के लिए कहती हैं कि मत धोवा करिए, हम धो देंगे। तो हमारा क्या है ना, जब मैं अपना काम खुद करता हूँ तो मैं अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, सिंपल सी बात है, ये नहीं है कि मतलब मैं दूसरों पे भरोसा नहीं करता हूँ, करता हूँ लेकिन ज़्यादा अपने आप पे बिलीव करता हूँ मैं। अगर अपना हर काम अपने टाइम पे अगर मुझे पाना और करना है और मुझे चाहिए तो मुझे वो खुद करना पड़ेगा। तो अपना काम जब हम खुद करते हैं ना तो मुझे पता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। देखिए कपड़े धोना है बहुत कॉमन चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि अब मैं अपने रूम में खुद ही झाड़ू लगाता हूँ, खुद ही पोछा मार देता हूँ, अपना कपड़ा खुद ही धो देता हूँ, ठीक है, अपना स्टडी टेबल रूम में सब कुछ हम ही साफ कर देते हैं। तो क्या है कि मैं अपने रूम में सब कुछ हम ही करते हैं, ठीक है। सबसे पॉइंट की चीज़ ये है कि आपको भी नोटिस करना चाहिए, बिना परमिशन के मेरे रूम में कोई नहीं आता है, सबसे बड़ी बात यही है, मेरे बिना परमिशन के रूम में कोई नहीं आ सकता, चाहे फैमिली हो, चाहे गेस्ट हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो। मैं पहले भी ब्लॉग में बोल चुका हूँ, एक चीज़ हमेशा नोटिस करिएगा, मैं अक्सर बाइक पे अकेला चलता हूँ और मेरे कम मिस्त्र हैं, अगर मेरे बाइक पे प्लेन सीट पे कोई बैठा है तो मेरे परमिशन से बैठा है, और यही चीज़ मम्मी को फैमिली को भी अच्छा लगता है कि चलो कोई बैठा होगा तो मेरे लेवल पे होगा, ठीक है, ये भी टारगेट रहता है, ये हमसे बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि लाखों में बैठना और करोड़ों में बैठना बहुत सौभाग्य की बात होती है, ठीक है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो बाकी लोग खड़े रहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो वही चीज़ है कि जब मैं अपना काम अपने टाइम पे करता जाऊंगा ना तो मैं हर कदम में आगे रहूंगा, ज़्यादा नहीं एक कदम आगे रहूंगा, उतना बहुत है मेरे लिए। लेकिन मैं महाराज जी जो है ना, वो जब राइड करते हैं ना तो कहीं गली गुच्चे में, कहीं पानी गुच्चे में, कहीं घुसा देते हैं, लेकिन क्या करें, अब हम बनाए नहीं है कि उसको हम सुधार पाएं, बस मैं महाराज जी चलते हैं राइड पे तो कहीं लेके चले जाते हैं। और हाँ, शॉर्टकट तो बहुत लेके जाते हैं, कभी सीटिंग घुसा देंगे, कभी गली घुसा देंगे, कभी नाली घुसा देते हैं, हाईवे तो बहुत कम पकड़वाते हैं, तब भी मैप लगाने के बाद भी ऑफलाइन लोगों से पूछना पड़ जाता है कि रोड कहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कितना टेक्नोलॉजी ला देंगे, लोगों से पूछना पड़ ही जाता है, ठीक है, लेकिन तब वो मैप महाराज जो है ना थोड़ा बहुत मदद कर ही देते हैं, थोड़ा नहीं बहुत मदद कर देते हैं भाई, ज़्यादा करके मैप के थ्रू तो ट्रैवलिंग लोग करते हैं, लेकिन वैसे भी लोग आसपास तो मिल ही जाते हैं, लोग बता ही देते हैं। तो फटाफट चलते हैं, जूता लेते हैं, जूता का बताए थे 150 रुपया एक जोड़ी का, दो जूता दिए हैं 300 रुपया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जूता हम धो नहीं सकते थे, देखिए जो काम अगला कर रहा है उस काम को हम क्यों करें, और करें तो कब करें, हमेशा ज़िंदगी भर ना जूता धोते चलेंगे अपना। तो आज समझ लीजिए कि जूता धो रहे थे, आज जूता नहीं धो रहे हैं, कोई और धो रहा है, बस हमको पैसा देना है, कपड़े हम ही धो रहे हैं प्रजेंट में, कल की मशीन ला देंगे तो कपड़े नहीं धोना पड़ेगा, बट डालेंगे, खंगारेंगे, फसाद सूख जाएगा। और यही देखकर मम्मी भी कहती हैं कि बेटा शादी कर लो, जी हाँ, यही देख के मम्मी भी कहती हैं बेटा शादी कर लो, लेकिन बात यह है कि अगर हम शादी कर भी लेते हैं तो ना हमारी वाइफ धोएंगी, ना हम धोएंगे, ना हमारी भाभी धोएंगी, ना हमारी फैमिली में कोई पर्सन धोएगा, सब मशीन धोएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट ये है क्या कि आप उम्र में बड़े हैं ये मायने नहीं रखता है, आप सबको साथ लेके चल रहे हैं ये मायने रखता है, हम बड़े हैं हमसे कोई बड़ा है, छोटे हैं हमसे कोई छोटा, ये कोई मतलब नहीं है, आप सबको साथ लेके चल रहे हैं ये मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हमसे बड़े भाई हैं तो अपना देख रहे हैं तो फिर वो बड़े नहीं हो गए, बड़े तब लोग होते हैं जब छोटे को, बड़े को, मीडियम को, सबको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। वैसे भी तो लाइफ में तो बहुत कुछ करना, सबको साथ लेके चलना, ऐसा नहीं है कि हम आगे जा रहे हैं तो सबको पीछे छोड़ देंगे, फैमिली में सबको साथ लेके चलेंगे। देखिए क्या है ना, 24 घंटे में फैमिली ही काम आएगी और बाहर के जितने भी दोस्त हैं वो बाहर काम आएंगे,
अभी समझ लीजिए कि दोस्त हमारा है लखनऊ में, ठीक है। अब मुझे प्रजेंट में रात में 1-2 बजे कोई दिक्कत आएगा तो दोस्त मेरे को सिर्फ फ़ोन पे हाल चाल हेल्प कर सकता है, लेकिन जो टचिंग उठाना ले जाना हॉस्पिटल में तत्काल वो फैमिली कर पाएगी। तो आसपास से लोगों से व्यवहार बना के रखिए, घर में सबसे मिल के रहिए, सबको एक साथ लेके चलिए, दोस्तों से अच्छे से व्यवहार बना के रखिए। देखिए कम दोस्त बनाइए लेकिन काबिल बनाइए। कुछ लोग होते हैं छल कपट करना, मतलबी लखना, और काम रहेगा तो फ़ोन करेंगे भाई कहाँ ये काम कर दो भाई, हम बहुत देखे हैं। पिताजी नहीं है ना, तब से मैं काम ही काम लोगों से मिल रहा हूँ, घर पर बहुत कमी रहते हैं, आपको पता भी है। देखिए इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो भी आप किए होंगे ना तो आपको पता चल जाता होगा, हमें घर पर नहीं रहता हूँ, घर से बाहर ही रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो नहीं किए तो निखिल राज बाजवा आईडी है, जाके फॉलो करिए, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ डेली, मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ, स्टोरी स्टोरी डालता रहता हूँ, रील डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करिएगा, बाकी खुद तरह प्यार दीजिए, बाकी मैं डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ और आपको अपडेट देता रह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मुझे ये चीज़ में ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपना काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई हम किसी के भरोसे नहीं हैं। जी हाँ, ये चीज़ नोटिस करिएगा, जब मैं अपना काम करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हम किसी के भरोसे नहीं हैं। तो अपना काम भी करना चाहिए, खुद अपने आप ही निर्भर चाहिए, और भरोसा तो हम अपने पर करते हैं। एक खास चीज़ बताएं, एक तो अपने पास पार्किंग भी कम है, और दूसरा हम जो लेने का प्लानिंग कर रहे हैं उसका पार्किंग बहुत बड़ा चाहिए, बाकी आप समझ गए होंगे। तो जुपिटर यहाँ पे खड़ी हो जाती है, 100 लाख है ना, तो जाके सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्ले बटन जल्दी आएगा। और बाइक अपनी वैनम यहाँ पे खड़ी हो जाती है, और जो हम लेने की प्लानिंग चल रहा है वैनम अभी यहाँ खड़ी है, वो जानते हैं कौन सी गाड़ी है तो हम आपको बता दें, वो एक कार है, और एक कार के लिए बड़ी सी पार्किंग होनी चाहिए। तो जो हमारे बड़े पापा ज़मीन हड़पे हैं 1 करोड़ का, वहाँ पे अभी केस चल रहा है, तो जैसे ही फाइनल हो जाएगा और अपना ज़मीन मिल जाएगा तो वहाँ पे बड़ी कार अपनी आ जाएगी। तो देखिए हमारा मुद्दा है कि कम से कम 40-50 लाख रुपया कार में फंसा रहे हैं, तो उसके रखने का जगह तो होनी चाहिए। अब ऐसे रोड पे ला के हम नहीं छोड़ देंगे, तो अपनी 2 बाइक है अभी प्रजेंट में जो अपने अंदर पार्किंग में खड़ी होती है, और जब कार ले रहे हैं तो उसके लिए जगह भी होनी चाहिए, तो उसका जगह का व्यवस्था हो जाता है फिर उसको लेते हैं। और बाबू जा रहा है, देख रहा है, तो वही हम सोच रहे हैं कि देखिए पैसे बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, लेने खरीदने से कुछ नहीं होता है, उसका देखभाल भी करना। जैसे देख लीजिए कि बैठने से पहले हम सीट पोछ रहे हैं, अभी क्यों पोछ रहे हैं, इसमें भी हमारा सेल्फ फ़ायदा ही है, अगर पोछ के बैठेंगे तो हमारा पैंट जो है गंदा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कार खरीदने से पहले पार्किंग देखना रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, और हम क्या बताएं, लालच बहुत बेकार चीज़ है। हमारे जो बड़े पापा हैं ना, पता नहीं खुद ही लालच किए कि दूसरों को देख के लालच कर लिए। अरे मांगे होते हैं तो हम पूरी ज़मीन दे देते हैं, लेकिन बेईमानी कर लिए, छल कपट कर लिए, और हमसे दुश्मनी कर लिए, हमसे चैलेंज कर लिए। तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए हैं, सामना करेंगे और टांग देंगे। तो फटाफट निकलते हैं, अभी 1:26 हो गया। एक खास चीज़ बताएं आपको, हम हीरो स्प्लेंडर से एंड वैनम से चलते हैं, मुझे खुशी बहुत है कि मैं अपनी कमाई के बाइक से चलता हूं। और आपसे बैड न्यूज़ बता दें, बैड न्यूज़ ये है कि इसमें फ्यूल ख़त्म होने वाला है, जो एक घुटी दिखा रहा आप देख पा रहे होंगे, और आप टंकी फुल कराएंगे तो वही 600-700 जो भी चला जाए, तो भाई कोई बात नहीं, महीने का तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार फ्यूल ख़त्म हो जाता है, इसी में चला जाता है। फिर उसके बाद सर्विसिंग में आ गया है, दिवाली से पहले हम सर्विसिंग भी करा लेंगे, जो 2,000-2,500 जो भी खर्चा हो, मैं अमाउंट के साथ बिल भी दिखाता रहता हूँ आपको, ठीक है। तो लगभग अभी शादी तो नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए वाइफ का जो खर्चा है ना वो बाइकों पे लग रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मतलब जो वाइफ रहती हमारी तो उन पे तो खर्चा होता है, लेकिन उनका खर्चा जो है मेरे बाइक पे जा रहा है, और वो आ जाएंगी तो भाई डबल खर्चा रहेगा, उनका भी खर्चा और इस बाइक का भी खर्चा, लेकिन कोई बात नहीं, उसका 2-3 गुना हम कमा लेंगे, और कमाएंगे तभी तो शादी होगा भोसड़ी के, ये भी तो समझो, पैसे कमाएंगे तभी शादी होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा शादी। इसीलिए पहले पैसे अच्छे से कमा ले, उसके बाद से कोई भी लड़की आएगी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, जो मांगेगी उसे मांगने से पहले हम धर देंगे, लो भाई ये चीज़ का डिमांड था ले लो। देखिए तकलीफ उनको है जो पैसा नहीं कमा पाते हैं, जो ख्वाहिश किसी का नहीं पूरा कर पाते हैं। हमारा मुद्दा ये है ना कि जब अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो अपने वाइफ का भी सपना पूरा करेंगे, अपनी फैमिली का भी सपना पूरा करेंगे, फैमिली के हमारे भांजे भतीजे सबका सपना पूरा करेंगे भाई, सबको साथ लेके चलेंगे।
बात सिंपल सी बात यही है, इसीलिए मैं कहीं भी रहूँगा, कैसी भी हालत में रहूँगा, सबको साथ लेकर चलूँगा। भाई अपने तो अपने होते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं ना, 60 लाख 50 लाख रुपये साला मैडम पे उड़ा दिए, काट के चली गई, लेकिन वही घर वाले आज भी मेरे काम आते हैं। इससे अच्छा है कि जो साथ खड़ा है उसी पे पैसा इन्वेस्ट कर दो, बाकी ट्रैफिक तो मिलने वाला है। मुझे ना YouTube से TV पे आना है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं, जैसे हम YouTube पे ब्लॉग बना रहा हूँ, देखो, और आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो जल्दी प्ले बटन आएगा और जल्दी मैं TV पे आऊँगा। TV का मतलब ये होता है, जैसे मैं YouTube पे ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, कल के मैं सोनी पे चला गया, जियो सिनेमा पे चला गया, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। मेरा टारगेट ड्रीम यही है कि मैं YouTube से TV पे आऊँ, और देखता हूँ कि ये कब तक हो जाता है, क्योंकि भाई जितना मेहनत करेंगे, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिए कि मैं जल्दी TV पे आऊँ, बाकी YouTube पे आ गया हूँ तो TV पे जल्दी आऊँगा। बस आप लोग का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग कब मुझे लेके चलते हैं TV पे, बाकी अभी तो उतना ट्रैफिक नहीं मिला, पीछे ट्रैफिक मिला था इसलिए GoPro बंद कर दिए थे। और बैड न्यूज और है, GoPro चार्ज नहीं है, एक्चुअली GoPro का बैटरी भी चला गया भीतर, ठीक है, और GoPro का डिस्प्ले भी डैमेज हो चुका है, तो दूसरा GoPro मंगा रहे हैं। कितने का है ये मंगा लेंगे, उसी टाइम बता देंगे कितने का है, इससे पहले हम क्या ही बताएं, क्योंकि अमाउंट बढ़ता चढ़ता रहता है ना। ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट है तो फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी अमाउंट बताने से कोई मतलब है नहीं। जब प्रोडक्ट आ जाएगा अनबॉक्सिंग करेंगे, प्राइस बता देंगे कितने का है। तब तक के लिए अप्लाई करिए, वीडियो शेयर करिए, अब खुद थोड़ा प्यार देते रहिए। भैया को प्रणाम। क्लीन हो गया और ये अच्छे से घर पे दिखाएंगे आपको। सही है, तो जूता ले चुके हैं शूज, और मोजा भी लेना ही था, बट मोजा तो वो दिन लिए थे, बस जॉकी का उसके पास था नहीं, लेकिन मोजा कभी और ले लेंगे, मोजा में क्या दिक्कत है। अब ये तो एक दो मोजा अपने पास है पहनने के लिए। एक्चुअली कंपनी का मैं ये फ़ायदा होता है ना कि जो मोजा है ना ज़्यादा बदबू नहीं मारता है, और कहीं भी जूता उतार के चलो ना, थोड़ा क्या है कि कंपनी का मोजा पहनने का अलग ही मज़ा होता है। पहला तो बदबू नहीं मारेगा, फिर इसके बाद से अगर किसी के घर जा रहे हैं और जूता उतार के मोजा पहन के जा रहे हैं ना, तो ये जो अंगूठा होता है ना वहाँ पे ब्रांड रहता है, तो लोग पैर ज़्यादा फोकस करते हैं कौन सा कंपनी का मोजा पहना हुआ है। ये दुनिया इसी पे मर रही है ना, कुल कंपनी कंपनी देख देख के मर जा रहे हैं, हम कहीं इस कंपनी का पहना, उस कंपनी का, आधे लोग तो यही चक्कर में पड़े हुए हैं कि मुझे कंपनी चाहिए। क्या मेरा पंता क्या है ना, मोजा पहनो एक महीना फिर दूसरा नया मोजा लेकर आओ, तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा महंगा जूता पहनने से, हमको मोजा पहनने से, क्योंकि हम क्या करते हैं ज़्यादा करके, एक मोजा लेते हैं, दो महीना पहनते हैं, फिर फेंकते, फिर नया लेके आते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं, कंपनी का लेंगे, 6 महीना साल भर पहनेंगे, उसके बाद बदलेंगे, और हम महीने दो महीने मोजा बदल देते हैं। और जूता तो हम बदलते रहते हैं आपको पता ही है, लेकिन सिलवा के इसलिए पहनते हैं, देखो मेहनत की कमाई की है, और कल के हमारे शादी हो गया, हमारे बच्चे होंगे तो उनको भी पता होना चाहिए हमारे पास कितना जूता है, कौन कौन सा कंपनी का हम पहने हुए हैं, तो ये सब यादें हैं। और बाकी यूट्यूब पे तो हम ब्लॉग डाल ही रहे हैं, वहाँ से तो सब देखभा करेंगे, तो मायने रखता है। इसीलिए मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ भाई, बेचता नहीं हूँ, और मैं बेचने के लिए कोई सामान खरीदता भी नहीं हूँ, जो खरीद लिया वो मेरे पास दिखेगा। अब यही वैनम चला रहे हैं, 5 साल बाद भी कहेंगे वैनम कहाँ पे, तो हम दिखाएंगे, मेरे पास ही है, बेचने वाला काम नहीं, सिर्फ खरीदना जानी है, बेचने वाला काम नहीं करना है। लोग खरीदते हैं
व्यू कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, बेच देंगे। नहीं भाई, हम अपने पास ही रखेंगे सब कुछ, नहीं बेचेंगे। गाइस हम सोच रहे हैं बाइक से ही निकल जाए वैष्णो देवी, क्योंकि अगर नवरात्र में ही निकल जाते हैं वैष्णो देवी तो बहुत अच्छा रहेगा। यही है कि मतलब भीड़ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब दशहरे का मेला भी है, नवरात्र भी चल रहा है, भीड़ तो मिलना ही मिलना है। दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन एक होता है कि बिना विदाउट फेस्टिवल के आप जाते हैं ना वैष्णो देवी, तो अच्छे से दर्शन हो जाता है, क्योंकि हम जितने भी गए हैं ना विदाउट फेस्टिवल के गए हैं, मतलब नवरात्र में नहीं गए हैं वैष्णो देवी कभी भी। और जब भी गए हैं तो मतलब जैसे जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई जून, ऐसे हम गए हैं वैष्णो देवी। बाकी अगर बजट रहा तो फिर बाइक से निकल जाएंगे, नहीं तो ट्रेन से जाना पड़ जाएगा। यही है कि ट्रेन से जाएंगे तो भाई जो बाइक चलाने का इंजॉयमेंट है ना, वो नहीं मिलेगा। तो अभी क्या है कि मैं बजट बना के और एस्टिमेट निकाल रहा हूँ इसका, कि कितने का फ्यूल लग जाएगा और टाइमिंग क्या रहेगा, मैं कितना कवर करूँगा और रुकने का कितने जगह बनाऊँगा। और पहला नंबर तो रोड मेरे लिए सारे नए हैं, मैं अभी तक बाइक से ज़्यादा दूर तक नहीं गया हूँ, और लेकिन अब यूट्यूब पर आए हैं तो इसी बाइक से मैं कवर करूँगा हर एक चीज़। पहला नंबर तो है कि बाइक को सर्विसिंग मुझे कराना पड़ेगा किसी भी कीमत में, क्योंकि बाइक की सर्विसिंग हो जाएगी तभी निकलेंगे, क्योंकि 400-500 और चलेगा फिर उसके बाद से सर्विसिंग में आ जाएगा। और वैष्णो देवी जाएंगे आएंगे तो लगभग वही 2000 मान लीजिए कि चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2000-3000 पे तो सर्विसिंग कराते हैं। यही है कि मतलब अपने आसपास से कोई अभी तक बाइक से गया नहीं है, और गया भी होगा तो मुझे पता नहीं है। भाई कोई गया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा और मुझे गाइड भी करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बंदे हूँ ना कि हम बाइक से इंडिया में कहीं भी निकल सकते हैं, बस अपने पास बैंक बैलेंस अच्छा से होना चाहिए। लेकिन भाई अगर पैसा है ना तो आप कहीं भी घूम के आ सकते हैं। लेकिन मैं क्या है कि मैं हर एक चीज़ डालूंगा, हर एक्सपीरियंस डालूंगा, कहाँ पे क्या दिक्कतें आई हैं, क्या पेट्रोल पे कैसा होगा, कहाँ पे फ्रॉड हुआ, कहाँ पे टोल प्लाजा पड़ेगा, कहाँ पे टोल प्लाजा बाइक का लगता ही नहीं लगता, मैं हर चीज़ बताऊंगा, क्योंकि हमें हर एक चीज़ करना है। उसके बाद वो तो होना ही होना है, करूँगा सब धीरे धीरे सब करूँगा। बस क्या है कि पहले अच्छे से पैसे भी तो कमा लें, अभी पैसे कमाएंगे तभी तो सब कुछ निकल पाएंगे कहीं के लिए, क्योंकि पैसे भी कमाना फिर अपना भी देखना है, फिर घर भी देखना रहता है। कैरी बैग से बाहर निकालते हैं और ये देखिए इस कैरी बैग में देते हैं, तो पहले धोने के बाद पॉलिथीन में डालते हैं, पॉलिथीन में डालने के बाद कैरी बैग में डालते हैं, फिर देते हैं। और जब हम दिए थे जूता तो कैसा था, और अब देखिए कैसा है। एक जूते का 150 रुपये लेते हैं, लेकिन अच्छे से धो के देते हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ पैसा जाता है, लेकिन जो मेरा टाइम बच जाता है, फिर टेंशन नहीं रहता सूखने का या धोने का। सिर्फ जूता पहनो, ले जाके दे दो और आराम से धो के दे देते हैं, बस पैसा देते हैं लेके चले आते हैं। और इसको भी बाहर निकालता हूँ। हम भी धोते थे, इतने अच्छे से नहीं धो पाते थे, तो हमने कहा जब पैसे से सारा काम होता है तो फिर पैसे कमाओ, काम तो होता रहेगा आपका। मेरी बात आप समझ गए होंगे, जब सारा काम पैसे से हो रहा है तो पैसे कमाओ, काम होता रहेगा। तो पैसे कमाए, दे दिए धोने के लिए, मेरा काम हो गया। देख रहे हैं साइनिंग देखिए पहले, और यही जूता बोल लेते कि मेरी लकी, ये देखिए यहाँ पे बोले थे ना पिछले ब्लॉग में फट गया था, देखिए यहाँ पे सिला गया भैया, और यहाँ पे सिलाया है, ठीक है। तो डैमेज भी रहेगा, डैमेज भी सही करके देते हैं। और ये जूता तब तक मेरे पास रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए लकी जूता है। और तब तक के लिए मैं ये बूट्स पहन रहा हूँ और ये पूमा का शूज़ पहन रहा हूँ। ये भी गंदा हो गया, जल्दी देंगे इसको धोने के लिए। और ये भी तो जब राइड करते हैं तो ये पहनते हैं, और सिटी में जाते हैं तो ये पहन लेते हैं। बाकी
उस पिछले ब्लॉग में बोले थे कि 50,000 कमेंट आएगा तो 50 जूता के साथ दिखाएंगे, और भी जूता मंगा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। पहले मुझे लगा था कि सारा काम खुद ही करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि आपको सिर्फ सिस्टम को समझना है, सारा काम लोग करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद ही करेंगे हर एक काम, लेकिन जब सिस्टम को समझ जाएंगे तो लोग करेंगे और आप रिलैक्स करेंगे, आराम से इंजॉय करेंगे। तो भाई धीरे धीरे एक होता है ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप हर कदम में आगे रहेंगे, और करते करते एक्सपीरियंस आ रहा है तो भाई तब भी आगे रहेंगे, क्योंकि आप करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अब दो सिस्टम एक को बता सकते हैं आप, सीढ़ी से जाना और लिफ्ट से जाना। लिफ्ट खराब हो गया तो सीढ़ी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सीढ़ी से चढ़े रहेंगे ऊपर तो फिर जल्दी से उतर भी जाएंगे, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सीढ़ी। इसलिए कहते हैं लिफ्ट और सीढ़ी दोनों जानकारी में होनी चाहिए, सीढ़ी किस साइड है और लिफ्ट कहाँ पर है। लिफ्ट से जा रहे हैं तो सीढ़ी आपको पता होना चाहिए, उतरने में आसानी रहेगी। इसलिए कहते हैं फिट फाट लाइए और ज़्यादा मोटा फन ना लाइए, नहीं चढ़ने उतरने में बड़ा तकलीफ होती है भाई। बाकी हम पतले हैं, 10 किलो वजन बढ़ाना है, जल्दी मैं बढ़ा लूँगा, खाएंगे ड्राई फ्रूट उठ लेके आए हैं, खाएंगे उसके बाद से थोड़ा हेल्दी हो जाएंगे। जिम भी जाना है, लेकिन पार्टनर तो है अपने पास जिम करने के लिए साथ में, बट हम ही को बस हाँ कहना है। बाकी 4-5 लोग हैं बोल रहे हैं कि जिम चलने के लिए, अभी हम हाँ नहीं बोले, जैसे ही काम से फ्री होते हैं फिर उसके बाद से आप बोलते हैं, क्योंकि जिम जाने का मतलब है कि आप 30वें दिन जिम जाओ, और अपना काम ऐसा है ना ट्रांसपोर्ट की तरह इधर उधर भागना वागना करना रहता है। तो हमने कहा कि जो भी हम जिम जाएंगे तो सुबह 5 से 6, 6 से 7 यही जा सकते हैं, बाकी जिम तो सारे जगह 4 या 5 बजे खुली जाता है मॉर्निंग में। बाकी उसे थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो शेयर करिएगा। जय वंदे मातरम।